नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रवि ग्रेडी आप सबका पूर्वांचल एस के प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पूर्वांचल एस के तत्वाधान में हमने बहुत सारे परीक्षाओं के ऑनलाइन कोर्सेज भी प्रारंभ किए हैं, जहाँ इसके पहले हम आपके साथ फेस टू फेस भी कक्षाएं देते थे। वो काफ़ी डिमांड की वजह से हमें ऑनलाइन कक्षाओं में भी आना पड़ा आपके साथ, क्योंकि हमारी जो संस्था है वह एक इकोनॉमिकल संस्था है, और इस इकोनॉमिकल संस्था का जहाँ फेस टू फेस कक्षाएं थी, साथ साथ हम ऑनलाइन कक्षाएं भी अब आपको देना प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये ऑनलाइन कक्षाएं बहुत सारे कोर्सेज के लिए हैं, जहाँ यूपीएससी के लिए है, यूपीपीसीएस के लिए है, एमपीपीएससी के लिए है, राजस्थान सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के लिए, तो बहुत सारी परीक्षाएँ हैं जिनके लिए हम यहाँ पर आपके लिए कोर्स बना रहे हैं, और ये ऑनलाइन कोर्सेस आपको धीरे धीरे आपके लिए लाई जा रही हैं। तो यहाँ मैं आप सबको स्पेशली जो हमारा कोर्स है जो लॉन्च हो रहा है 1 जून से, उसके बारे में आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। अगर आप इच्छुक हैं तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। सो इस मोटिव का जो इस वीडियो को लेकर मैं यहाँ आ रहा हूँ वो है एमपीपीएससी पाठशाला, जो हमने इसको कोड वर्ड दिया है इस पूरे कोर्स को, एमपीपीएससी पाठशाला। एमपीपीएससी पाठशाला में हम पूरा सोल्यूशन जो प्रीलिम्स का मेंस एग्जाम का है उस हिसाब से आपको यहाँ पूरा कोर्स डिजाइन किया गया है, जो आपको धीरे 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 आपको चैनल्स पर अपलोड किया जाएगा, और जो भी विद्यार्थी होंगे वो वहां से ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, लेकिन बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वहाँ निःशुल्क भी हैं, तो अगर आप कोर्सेज नहीं भी ले सकते हैं या जैसा भी है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े रहें, तो इनसे आपको काफी हद तक फायदा होता रहेगा। एक और मोटिव है जो मैं आपको बताऊं कि सिर्फ वीडियोस ही नहीं, हम आपको मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे। अगर आप मटेरियल्स के लिए भी इच्छुक हैं, बहुत ही नॉमिनल ओके प्राइजेस वगैरह पे, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोला इस संस्था का मेन उद्देश्य क्या है। हमने आपको पहले बोला एक सस्टेनेबल एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, और साथ ही साथ यह एक इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट भी है। इस संस्था के लिए बहुत सारे ऐसे सिविल सर्विसेज हैं, सर्वेंट्स हैं जो ऑलरेडी मेरे अपने पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं, जो काफी जगहों पे सेलेक्ट भी हो चुके हैं, और वो भी यहाँ सेवाएं दे रहे हैं निस्वार्थ भाव से, बिना किसी शुल्क के। तो काफी आपको ऐसे सेलेक्टेड विद्यार्थियों की क्लासेस भी आपको सुनने में मिलेंगी, जिसके लिए हम लोगों ने उन्हें किसी भी तरह का पे नहीं किया है। तो आप खुद समझ सकते हैं इस चैनल की फीस इतनी कम होने के पीछे कारण क्या होगा। तो यहाँ पर काफी लोग ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं ओके, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिनकी अपनी रोजी रोटी भी इस प्लेटफॉर्म से चलती है। इसके लिए एक नॉमिनल फीस है जो हमने डिसाइड किया, लेकिन अभी तक जितने भी कोर्सेज आपको मिल रहे हैं उसमें अगर हम इस कोर्स की बात करें तो गुणवत्ता परक है यह कोर्स, आपके सिलेबस के पूरे उस सिलेबस के अनुसार है, कुछ भी हवा हवा में बातें नहीं हो रही है यहाँ पे। जो भी सिलेबस है आप उन्हें मिलाते रहें, टॉपिक्स के साथ चलते रहें, आपका प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी आपकी साथ साथ होती रहेगी। मुख्य परीक्षा में जैसा भी आप जानते हैं, काफी विद्यार्थियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के एग्जाम में कुछ नए सिलेबस लाए गए हैं, जो नया पाठ्यक्रम है, तो हमने साफ साफ आपको लिखा भी है कि बेस्ड ऑन न्यू सिलेबस। ये पूरा प्लेटफॉर्म जो है, जो हम एमपीपीएससी पाठशाला के नाम से बोल रहे हैं, जो कि पूर्वांचल आईएएस के तत्वाधान में हमने प्रारंभ किया है, ये पूरी तरह से एमपीपीएससी के नए सिलेबस के अकॉर्डिंग ही डिजाइन किया गया है। सो मैं डॉक्टर रवि अग्रहरि आप सबका एमपीपीएससी पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें, बाकी बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो वहां पर आपके साथ लाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, एमपीपीएससी का ये पहला लेक्चर है, और ये इसी क्रम में आप जुड़े रहें जिससे आपको काफी हद तक इसका फायदा होने वाला है। तो ये पूरी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर हम आपके साथ जुड़े हैं। आइए दोस्त, एमपीपीएससी की पहली वीडियो में जो यहां पर मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, ये पूरा कोर्स है जो काफी लोग इच्छुक हैं, जिनको मैं बता दूं कि पूरा कोर्स सिर्फ 9,999 रुपीज में ओके, प्लस जीएसटी आपको अलग से देना होगा, ये सरकार का है, तो ये आपको इंक्लूडेड है, जहां आपको सारे के सारे कोर्सेज हैं ऑनलाइन ओके, प्रीलिम्स का मेंस के पूरे कोर्सेज हैं। आप इसमें खुद नोट्स बना सकते हैं, और अगर आप एक्स्ट्रा नोट्स चाहते हैं तो आप संस्था में बात कर अगर कुछ नॉमिनल प्राइस होता है उसका कोरियर चार्ज देकर आप वहां से ले सकते हैं ओके। सो प्री कम मेंस कोर्स में एमपीपीएससी पाठशाला में ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप सबका मैं डॉक्टर रवि अग्रहरि और अपने पूरे टीम के साथ आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। सो पहले वीडियोस में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि एमपीपीएससी का पाठ्यक्रम सिलेबस क्या है, किस हिसाब से हमें चलना है। तो आइए दोस्त, ये हमने इसका टॉपिक का नाम भी बना रखा है इस पूरे वीडियोज का, एग्जाम का पैटर्न क्या है, यानी किस हिसाब से आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे, आपका पाठ्यक्रम क्या होगा, और किस हिसाब से आपको क्या स्ट्रेटजी लेके चलनी है, इस बारे में हम लोग यहां बात करेंगे।
यह है आपका प्रारंभिक परीक्षा का पूरा एक तरीका, किस हिसाब से आपके एमपीपीएससी में प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। तो आप देख सकते हैं आपका पहला पेपर जो होगा, तीन चरणों में यह पूरी परीक्षा आयोजित होगी। पहला जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा, दूसरे स्तर पर आप आएंगे तो आपका मुख्य परीक्षा है, तृतीय स्तर पर आपका आता है साक्षात्कार। पहली चीज जो आप क्लियर कर लीजिए, प्रारंभिक परीक्षा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ है, यानी ऑब्जेक्टिव है। यहां आपको ओमार शीट होगा, ओमार शीट आपको भरना होगा, आप भलीभूति इसके बारे में जानते हैं। लेकिन मुख्य परीक्षा आपको पूरी तरह से वर्णनात्मक है, इसमें आपके कितने पेपर्स हैं, हर पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, विषय रखे गए हैं, उस पर हम अभी आगे चर्चा करते हैं। और हर अध्यापक जो इस टीम के साथ जुड़ा हुआ है उन विषयों के साथ आपको बताएगा कि किस तरीके से क्या सिलेबस है, उसके अंदर डिटेल में जाकर उसके वीडियोस भी आपको यहां पर अपलोड किए जाएंगे। ओके, तो यह हुआ दूसरे लेवल पर मुख्य परीक्षा, जो वर्णनात्मक है, लिखित है, और आपको उसके अनुसार चलना होगा। उसकी क्या शर्तें हैं वो अभी आप आगे बात करेंगे। आइए तीसरे लेवल पर हमारा जो परीक्षा है वो साक्षात्कार है, इंटरव्यू है। किस हिसाब से कोर्स डिजाइन है, किस हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करते हैं। सो पहले लेवल पर आपके परीक्षा जो है वो प्रारंभिक परीक्षा है। प्रारंभिक परीक्षा में दो तरह के प्रश्न पत्र होंगे, यानी एक ही दिन में दो पालियों में आपको परीक्षा देनी होगी। और जो पालियां होंगी उसमें पहला प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य अध्ययन का है, जनरल स्टडीज का है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां आपका टाइम ड्यूरेशन है जो पूरे 2 घंटे है, और इसका जो पूर्णांक है 200 अंकों का है। तो यहां कुल जो सामान्य अध्ययन में आपके प्रश्न आने वाले हैं ये 200 अंक के होने वाले हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो है वो आप सीसैट कह सकते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड, जिसको आप सामान्य भाषा में अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो सामान्य अभिरुचि परीक्षण आप कह सकते हैं, जो मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलेबस में लिखा गया है। इसका भी समय आपको 2 घंटे का होगा और यह भी प्रश्न पत्र आपको 200 अंक का होगा। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक बात यहां पर ध्यान रखने की है कि जो द्वितीय प्रश्न पत्र है, यानी सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यह आप में से काफी विद्यार्थी जानते होंगे, ये क्वालिफाइंग पेपर है। इसे सिर्फ आपको क्वालिफाइंग करना है, आपकी स्कोरिंग पेपर होगा सामान्य अध्ययन का, यानी आपको सामान्य अध्ययन के परीक्षा की तैयारी, यानी पेपर की तैयारी बहुत ढंग से करनी होगी। सामान्य अभिरुचि में जो लोग ज्यादातर साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनको यहां पर फायदा ज्यादा मिल जाता है, या ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने कभी बैंकिंग, SSC, PO इस तरह के एग्जाम्स मगर दे रखे होंगे, तो उनका भी सेकेंड पेपर में दिक्कत कम आती है, समस्याएं कम आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेपर 1 जो कि जनरल स्टडीज का पेपर है, वहां पर आपके सिलेबस में मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसमें इन्होंने कुल 10 विषयों को समावेश किया है। तो कुल 10 विषयों का समावेश है, और वो कौन कौन से विषय हैं पहले मैं उसके बारे में आपको एक एक लाइन में बोल देता हूं। ओके, अब सुनिएगा, यहां पर पहला है जो आप देख सकते हैं, हिस्ट्री एंड कल्चर, जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, पहला है हिस्ट्री कल्चर लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो इतिहास है, मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ जो कल्चर है और वहां का लिटरेचर है वो आपको पढ़ना होगा, एक्सक्लूसिव फॉर मध्य प्रदेश। इसके अतिरिक्त आपको भारत का इतिहास भी जानना होगा। ओके, इंडिया के रिस्पेक्ट में इंडिया की हिस्ट्री भी आपको जाननी होगी। दूसरा, उसी तरीके से आपको मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी जाननी होगी, मध्य प्रदेश का भूगोल, और प्लस साथ ही साथ विश्व का और भारत का भूगोल आपको यह भी पढ़ना होगा। यानी आप खुद समझ रहे हैं कि मध्य प्रदेश को आप स्पेसिफाई करते चलेंगे हर विषय के साथ। साथ ही साथ अगर आप आगे देखिए तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम मध्य प्रदेश का भी पढ़ेंगे, इकोनॉमी मध्य प्रदेश की पढ़ेंगे, और वहीं आप भारत का भी पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट और इकोनॉमी, यानी भारत के लिए भी, भारत के संदर्भ में भी, और प्लस स्पेशली अगर मध्य प्रदेश से जुड़ी भी कोई पहलू है तो उसको भी आप टच करते चलेंगे। अगला जो आपका सिलेबस है वहां पर आपको विज्ञान तकनीकी लिखा हुआ है, साथ साथ आपको समसामयिकी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामले, आप सिलेबस में देखिए करंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स जो लिखे हैं, आपके राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मामले जो समसामयिकी से जुड़े हैं वहां पर भी प्रश्न पत्र में प्रश्न दिए जाएंगे। अगला टॉपिक है जो आपके सिलेबस में है, संचार और सूचना तकनीकी, है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, यानी सूचना और संचार तकनीकी, यह भी आपके सिलेबस में एक विशेष टॉपिक, एक सब्जेक्ट लिखा गया है, टॉपिक मत बोलिए, ये विषय के नाम है। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय और क्षेत्रीय
कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैचुरी बॉडीज हैं उनके बारे में भी जानना होगा, यानी कहीं ना कहीं से ये सोशल इश्यूज से और प्लस ये टॉपिक जो है पॉलिटी से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यही साथ साथ अगर आप सीसेट के पेपर में जाते हैं, सीसेट के पेपर में आपके सिलेबस में लिखा गया है कि यहां पर स्तर मुख्यतः 10 तक का ही रखा जाएगा, यानी कक्षा 10 तक की जिस तरह की मैथमेटिक्स होती है उसी तरह के प्रश्नों का समावेश आपके पेपर में होगा। तो यहां पर क्या क्या है आप खुद देख लीजिए आपके सिलेबस में, यहां लिखा गया है द्वितीय प्रश्न पत्र जो कि क्वालिफाइंग पेपर है, यहां पर बोध गम्यता साथ साथ संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल तार्किक कौशल विश्लेषणात्मक क्षमता निर्णय लेना एवं समस्या समाधान सामान्य मानसिक योग्यता आधारभूत संख्यन जहां पर संख्याएं उनके संबंध विस्तार क्रम दसवीं कक्षा के स्तर तक, मैं आपको बार बार कह रहा हूं ठीक है, आंकड़ों का निरचन जहां पर चार्ट ग्राफ तालिका आंकड़ों की पर्याप्तता इसके हिसाब से चलनी, प्लस आपको साथ ही साथ हिंदी भाषा में बोध गम्यता कौशल दसवीं कक्षा तक के स्तर के हिसाब से यहां पर प्रश्न पूछे जाएंगे। और आपके सिलेबस में आपके जो पाठ्यक्रम दिया गया है जो एमपीपीएससी के सिलेबस में है मेंशन है, उन्होंने लिखा भी है यहां पर जो भी प्रश्न है वो दसवीं कक्षा के स्तर के अनुसार ही होगा। ओके, इसी पेपर को आप अगर सिविल सर्विस में जाइए, यूपीएससी में जाइए, सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए जाइए, आईएएस स्तर की परीक्षा के लिए जाइए, तो इसी को सीसैट बोला जाता है, उनमें भी यही विषय होते हैं, यही टॉपिक्स होते हैं जो दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, दूसरे स्तर पर मुख्य परीक्षा आती है। मुख्य परीक्षा में कुल कितने प्रश्न पत्र होंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मुख्य परीक्षा में मध्य प्रदेश में कुल 6 प्रश्न पत्रों का समावेश होगा जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला प्रश्न पत्र है जहां पर सामान्य अध्ययन 1 आप बोल सकते हैं, और यहां पर इतिहास और भूगोल से प्रश्नों का समावेश होगा। कुल पूर्णांक जो है वो 300 नंबर का है आप देख सकते हैं, और यहां जो माध्यम है पेपर का वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पूछा जाएगा, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो प्रथम प्रश्न पत्र में इतिहास और भूगोल का पूरा टॉपिक है जो आपको करना है, लेकिन याद रखिएगा इतिहास क्या, इतिहास भारत का इतिहास और प्लस मध्य प्रदेश का भी इतिहास, भूगोल भारत का भूगोल विश्व का भूगोल और प्लस मध्य प्रदेश का भी भूगोल, इस हिसाब से सिलेबस को यहां पर बताया गया है। और इन्हीं सिलेबस के लिए मैं आपको कह रहा हूं जब विशेष तौर पर जब इतिहास के और भूगोल के जब लेक्चर यहां पर अपलोड किए जाएंगे तो वहां पर जो अध्यापक आपकी इतिहास और भूगोल की क्लासेस दे रहे हैं वो आपको बताएंगे कि इतिहास में किस तरीके से सिलेबस डिजाइन किया गया है, उसके अंदर कैसे पढ़ना है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूं, पूरा ओवरऑल एमपीपीसीएस में किस तरह के प्रश्न पत्र हैं जिस हिसाब से आपको फॉलो करना है, उसी तरह इतिहास और भूगोल के अध्यापक आपको इसके बारे में बताएंगे। अगला प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र है जहां पूरी तरह से आप देखें 3 विषयों का समावेश है जो किया गया है। पहला आप राजनीति देख सकते हैं यानी पॉलिटी देख सकते हैं, दूसरा आप अर्थशास्त्र देख सकते हैं इकोनॉमी, तीसरा आप सोशल इश्यू देख सकते हैं यानी समाजशास्त्र के इश्यू। यहां पे भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र है, पूर्णांक 300 नंबर का है, आप खुद देख सकते हैं बोर्ड पर। यहां भी जो प्रश्न पत्र है वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दिए जाएंगे। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे पेपर है जहां आपको सिर्फ हिंदी में ही मिलेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखना होगा। तृतीय प्रश्न पत्र साथ साथ आपको फिर बता रहा हूं कि राजनीति में कैसे चलना है, अर्थशास्त्र के अंदर कैसे चलना है, समाजशास्त्र के अंदर कैसे चलना है। जब सेकंड पेपर का पहला वीडियो अपलोड होगा तो आप खुद समझ जाएंगे उसके अंदर किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल कितने सेगमेंट होंगे, हर सेगमेंट से किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरी होंगे, लघु उत्तरी होंगे या दीर्घ उत्तरी होंगे, केस स्टडी होगा तो कितने केस स्टडी होगा, कितने वर्ड्स में लिखना होगा। हर पेपर को सुसंगठित सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से आपको चलना होगा अगर इस परीक्षा में आप उत्तीर्ण होना चाहते हैं। तो तृतीय प्रश्न पत्र की तरफ आते हैं, तृतीय प्रश्न पत्र जो है वो विज्ञान एवं तकनीकी है। विज्ञान तकनीकी में आपके पास जब जो भी अध्यापक पढ़ाएगा, ओके, चाहे वो मैं पढ़ाऊं चाहे कोई भी पढ़ाए, तो वहां पर वो वीडियोस जो होंगे जब अपलोड करेंगे उसका पहला वीडियो आपको सुनना बहुत जरूरी है कि विज्ञान तकनीकी से किस तरीके से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं और किस तरीके से हमें चलना है, उसका पूरा सिलेबस क्या है उस पर चर्चा की जाएगी। ओके, यहां पे भी 3 घंटे का प्रश्न पत्र है और 300 मार्क्स का पेपर है, हिंदी और अंग्रेजी आंग्ल भाषा दोनों में प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। चतुर्थ प्रश्न पत्र आती है, चतुर्थ प्रश्न पत्र की तरफ अगर आते हैं तो यहां पर दर्शन शास्त्र है, मनोविज्ञान है और लोक प्रशासन है।
अगर इन तीनों को जोड़ दें तो आपको वास्तविक तरीके से बताऊं तो ये एक नीति शास्त्र का पेपर है जिसको आप एथिक्स इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड कहते हैं, जिसको समझने के लिए आपको तीन विषयों को पढ़ना होता है। आपके एमपीपीसीएस के सिलेबस यानी पाठ्यक्रम में इन्होंने इन तीन विषयों के नाम अलग अलग से लिख दिए हैं, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन। ये पूरी अवधि यहां 3 घंटे की है, पूर्णांक 200 नंबर का है और यहां पर आपके पास जो प्रश्न पत्र होगा वो भी हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में दिए जाएंगे। किंतु परंतु यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है, अभी तक अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में आने वाले हैं, दोनों में आएंगे। किंतु आप मध्य प्रदेश से हैं तो आपको हिंदी आनी चाहिए और किसी भी कीमत पर आनी चाहिए और ठीक से आनी चाहिए, शर्त है। क्यों? क्योंकि यहां आपके पेपर में हिंदी खुद स्कोरिंग है, यहां आपके पेपर में हिंदी खुद स्कोरिंग है और आप देख सकते हैं। अगर आप देखें पांचवा प्रश्न पत्र देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्त, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर देखिए, है ना। पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवें प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी है, व्याकरण है, कुल 3 घंटे का समय है, ओके कुल जो मार्क्स हैं 200 नंबर के हैं। चतुर्थ प्रश्न पत्र याद रखिएगा, जो एथिक्स इंटीग्रिटी एप्टीट्यूड बोल रहा हूं, जिसको आप जोड़कर आप दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान और लोक प्रशासन कहते हैं, यह पेपर आपका सिर्फ 200 नंबर का है, ओके ये पेपर आपका 200 नंबर का है और पूरा यहां देखे पूरी तरह से, ओके एथिक्स का पेपर चौथा प्रश्न पत्र तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, किंतु पांचवा प्रश्न पत्र आपको सिर्फ हिंदी में ही करना है। और वैसे भी यह पेपर जो है सामान्य हिंदी और व्याकरण का है, इसे तो आपको करना ही पड़ेगा। छठे प्रश्न पत्र की तरफ जाते हैं, छठा प्रश्न पत्र जो है आपके सिलेबस में वो हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन है, जिसका समय जो होगा, कालचक्र जो है, काल समय जो है वो 2 घंटे का है। यहां जो स्कोर है वो 100 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रश्न पत्र सिर्फ हिंदी में होगा, इसलिए आपको हिंदी की परख होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश माध्यम के विद्यार्थी हैं तो भी आपको ये पेपर हिंदी में लिखना होगा और इतना तो एमपीपीसीएस एमपी गवर्नमेंट भी आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको हिंदी आती होगी, क्योंकि एमपी, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर हिंदी की वैल्यू ज्यादा है। तो यहां पर हिंदी विषय को लेकर स्कोरिंग पेपर है, ये क्वालिफाइंग नहीं है, ये सारे के सारे पेपर स्कोरिंग है। तो यहां पर जो आपको पूरे मार्क्स दिख रहे हैं, अगर आप ये पूरे मार्क्स जोड़ लें, ये पूरे मार्क्स अगर आप जोड़ लेते हैं तो 1400 मार्क्स का पेपर होता है जो आप समझ रहे हैं। ये पूरा का पूरा पेपर आपका 1400 मार्क्स का है, 1400 मार्क्स का जो आपको मेंस में देने वाला है, यानी मेंस आपको बहुत ढंग से चलना होगा और यही वो नया पाठ्यक्रम है जो एमपीपीसीएस के सिलेबस में जोड़ा गया है। तो इसी सिलेबस को आपको फॉलो करना है अब से लेकर आगे तक। आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं, अगर आप इस लेवल को पार कर जाते हैं उसके बाद आपका तीसरा पड़ाव आता है इंटरव्यू का। इंटरव्यू ये थर्ड लेवल है इस परीक्षा में और इंटरव्यू का कुल मार्क्स कितना है और 1400 और प्लस इंटरव्यू कुल जोड़कर कितना है, तो मेंस आपने रिटर्न देखा कुल 1400 मार्क्स का है, इंटरव्यू में कुल 175 मार्क्स हैं और 1400 और 175 आप पूरा जोड़ लीजिए तो फाइनल आपका मार्क्स हो जाता है 1575 यानी 1575 मार्क्स और ये 1575 मार्क्स में आपका फाइनल सिलेक्शन होना तय है। सो आपको जो अपनी तैयारी करनी है वो इसी के इर्द गिर्द रहना है और इसी के अनुसार चलना है। इसके साथ अगर आपको कोई और क्वेरी है या कुछ और आप इस ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो इन दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं, जो नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 6393-641090-9911-809808, ये संस्था का फोन नंबर है जहां पर आपको और जानकारी दी जाएगी। ओके इसके साथ आप हमसे जुड़े रहें पूर्वांचल आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और साथ ही साथ पूर्वांचल आईएएस का जो टेलीग्राम ग्रुप है यहां पर आप साथ साथ हमारे साथ रहें और जो भी नई नई चीजें और अपडेट्स हम कर रहे हैं वहां पर आप हमारे साथ लगे रहें। किस हिसाब से परीक्षा में आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, एक बात और, इन सारे पेपर्स के साथ आपको कुल 3 मॉडल पेपर भी दिए जाएंगे, यानी पूरे डिस्कशंस के साथ साथ बीच बीच में आपको टेस्ट पेपर्स वगैरह भी दिए जाएंगे जिसकी आप प्रैक्टिस खुद घर पे करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनमें से जो ग्रैंड वाला जो फुल पेपर होगा उसकी कॉपी हमारी संस्था द्वारा अध्यापकों द्वारा चेक किया जाए।
तो वो आपकी जो फाइनल जो फुल पेपर होगा, जो हम आपको तीन पेपर आपको साथ में एक मॉडल पेपर देने वाले हैं, उन तीन प्रश्न पत्र को जो डिटेल में हम आपसे लेने वाले हैं मुख्य परीक्षा का, उसकी परीक्षा भी ली जाएगी, जिसकी कॉपी आप स्कैन करके हमें देंगे और हम उसके मार्क्स देकर आपको बताएंगे कि आप किस स्तर पर हैं। तो इसके साथ ही आपको वो मुख्य परीक्षा की तैयारी में आपको आंसर राइटिंग भी कराया जाएगा। ये कोर्स इस हिसाब से डिजाइन किया गया है कि प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा की तैयारी दोनों साथ साथ हो जाए, किंतु मुख्य परीक्षा को हम यहां ज्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मुख्य परीक्षा आपके एग्जाम में पहली बार है जो इस तरह का समावेश किया गया है। इस पैटर्न को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और उम्मीद करता हूं कि पूर्वांचल आईएएस आपकी जरूरतों को लेकर पूरी तरह से सक्षम होगा और आप जिस हिसाब से एक्सपेक्टेशन करते हैं हम पूरी तरह से करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन्हें हम पूरा कर सकें। सो इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी पे पूर्ण विराम देता हूं और आपको अगले वीडियोस के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें। अपना ख्याल रखें। हैव अ गुड डे। बाय।